अब की बार 400 पार का दावा करने वाली मोदी सरकार का खौफ चकनाचूर। भारतीय इंतखाबात में बीजेपी इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए नाकाम। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी नतायज का सिलसिला जारी है। भारतीय इलेक्शन के 543 सीटों में से 375 के नतायज आकर बीजेपी इत्तेहाद 224 सीटों पर कामयाब हुए। भारत के एग्जिट पोल्स के दावों का पोल खुल गया। इंतखाबात में बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें मिलने के दावे चकनाचूर। हुक्मरान इत्तेहाद 300 नशिस्तें भी हासिल न कर सका। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की नशिस्त जीत ली, तहम मोदी को 2019 के मुकाबले में कम वोट मिले। भारतीय अदाकारा और बीजेपी की रहनुमा कंगना रनावत भी हिमाचल प्रदेश के शहर मंडी से जीत गईं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से भारी अक्सरियत से जीत गए। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर के दो साबिक वुज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी अपने हलकों से हार गए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं, इंतखाबात में हमें भारी मैंडेट मिला, अवाम ने बता दिया हमें मोदी नहीं चाहिए। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा, अवाम ने लगातार तीसरी बार बीजेपी इत्तेहाद NDA पर भरोसा किया,